सो गाइस, सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि अपन लोग श्री बांके बिहारी जी का मंदिर जा रहे थे, बट उधर से इतना ज्यादा ब्लॉक किया हुआ था ना रोड, इतना ज्यादा ब्लॉक कि भाई मतलब 3 से 4 बार अपन लोग रोटेट किए, कभी इधर के साइड जाओ कभी दूसरे साइड से, दोनों साइड से पुलिस बार बार रिटर्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो गाइस देखो, अभी 11 बजने वाला है और अभी का भीड़ देखो इधर का मार्केट में, लाइक कभी अपन लोग वृंदावन की तरफ जा रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा, प्लस रोड इतना घटिया है ना। फाइनली अब सौम्या बिल्कुल अच्छे तरीके से जाग चुकी है, नहा धो के आई है। सौम्या कैसा कैसा लगा नहाने में, सही सही बताना, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा यार, थोड़ा सा पानी गंदा था ना। भाई ये देखो वृंदानंद, अपन लोग रिजॉर्ट में आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे सारा कुछ एड्रेस लिया इस गार्ड भैया ने लिया, सारा कुछ, नाम, फोन नंबर, एड्रेस, गाड़ी का नंबर, उसके बाद एंट्री मिल रहा है। लाइक एंट्री देख सकते हो कितना ही सॉलिड। सो गाइस यहाँ से 16 से 18 किलोमीटर के बीच में अपना बांके बिहारी जी का मंदिर है, तो बस देखते हैं कितना टाइम लगता है। जाम तो सामने की साइड दिख रहा है, बहुत ही भयानक वाला जाम है। रेलवे का जाम है, रेलवे क्रॉसिंग है ना यहाँ पे, उसी कारण जाम दिया हुआ है भाई, बहुत ही तगड़ा वाला जाम लग रहा है। बट देखते हैं कितना टाइम लगता है इस जाम से निकलने में अपन लोग को, निकल जाए जल्दी तो सही है, बट दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया। सो गाइस अपन लोग रॉन्ग साइड से आ गए थे, क्योंकि आगे की साइड ना फाटक के आगे एक बैरियर लगा हुआ था, एक अंकल बताया, तो इधर से अपने को गुलंबर से राइट लेना, उसके बाद वृंदावन की तरफ जाना 17 किलोमीटर, उधर ही अपना प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, सारा कुछ है। सो गाइस देखो, अभी 11 बजने वाला है और अभी का भीड़ देखो इधर का मार्केट में, लाइक कभी अपन लोग वृंदावन की तरफ जा रहे हैं और भीड़ बहुत ज्यादा, प्लस रोड इतना घटिया है ना, इतना घटिया ना कि बता ही नहीं सकते भाई। सो जहां पे हम लोग कार पार्किंग किए थे ना, वहां से विश्राम घाट मैक्सिमम 150 से 200 मीटर का डिस्टेंस पे होगा, तो हम लोगों को बाइक टोटो वाला लेके गया, पैसा कोई डिमांड नहीं करा, बट आते वक्त यार एक जन का 20 रुपया मांगने लगा यार, 40 रुपया, मतलब एक जन का जाने का 20 रुपया, आने का 20 रुपया, मतलब 40 रुपया, 416 160 रुपया हुआ। उसके बाद वो पैसा कमी नहीं कर रहा भाई, 150 मीटर में सोचो यार, 40 रुपया आने जाने का थोड़ी ले गया, 10 रुपया मैक्सिमम, 10 10 20 रुपया, तो 20 से 80 रुपया हुआ ना। बट वो लोग यार क्या बोले, मतलब कहीं और का देखता है ना ये लोग बंदा, तो बहुत लूटता है यार ये लोग, लेकिन पैसा थोड़ी ना ऐसे में हक लगने वाला है, बट चलो कोई ना, अब दे दिए सो दे ही दिए। अभी अपन लोग फिलहाल जा रहे हैं एक मंदिर के साइड, बांके बिहारी मंदिर, फिर वहां का नजारा आपको दिखाते हैं, क्योंकि वहां का नजारा काफी अच्छा है। फाइनली अब सौम्या बिल्कुल अच्छे तरीके से जाग चुकी है, नहा धो के आई है। सौम्या कैसा कैसा लगा नहाने में, सही सही बताना, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा यार, थोड़ा सा पानी गंदा था ना, बट फिर भी बहुत ही अच्छा लगा यार, क्योंकि कोई भी अच्छा स्थल पे ना नहाने से मन को बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। सो मैं और सौम्या नहा लिए और अभी तो अपन लोग कार में, लाइक सौम्या देखो क्या कर रही है, रील्स देख रही है, जो मेरा वीडियो पोस्ट हुआ है ना वो वाली देख रही थी, और अभी रील्स देख रही है हमारा वाला। तो गाइज मैं तो अपना फोन से अपना कोई भी वीडियो प्लस कोई भी रील्स नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि समझ रहे हो ना, देखना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसी कारण से मैं नहीं देखता हूँ, बस सौम्या अपना फोन में कभी कभी देख लेती है। तो अभी तो अपन लोग निकल चुके हैं यहाँ से, लाइक अभी यहाँ से वृंदावन मान के चलो तो 15 से 16 किलोमीटर और है, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर अपन लोग चल चुके हैं, 15-16 किलोमीटर और है, बस जाके देखते हैं इधर का मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो, अभी थोड़ा सा फ्री रोड है, उधर गोलगप्पा ये सब बिक रहा है, बिल्कुल लहसुन प्याज एकदम नहीं, बिरयानी है, सॉरी भेज बिरयानी है। और इधर के साइड देखो भाई, सारा दुकान ये सब, प्लस लाइट ऊपर से जल रहा है ऐसे ही, और आगे के साइड देखो रोड कितना फ्री है एकदम, पीछे के साइड तो काफी सारा जाम था लेकिन इधर एकदम फ्री है। तो अभी बस चलते हैं मजे से, मस्त मौला एकदम। सो गाइस इधर का देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, मतलब इंग्लैंड का याद दिला रहा भाई, ब्रिटिश टाइम का एकदम लाइट लग रहा वैसा ही, बट यार कुछ भी बोलो लाइट बहुत अच्छा लगता है, रात में ना काफी और भी अच्छा लगता होगा, मैं तो कभी देखा नहीं हूँ रात का लाइट इधर का, लेकिन दिन में ऐसा लग रहा है, तो रात में जब जलता होगा ना लाइट, उस टाइम कैसा लगता होगा आप लोग कमेंट करके बताओ, अच्छा लगता होगा फिर नहीं लगता होगा। प्लस इधर यार बहुत लूटते हैं लोग यार, कुछ भी बोलो हर चीज में लूटते हैं, इधर केला भी लूट लिया, किलो का हिसाब से पका हुआ केला,
भाई हम लोग की तरफ तो कच्चा केला देता है किलो का हिसाब से, इधर पका हुआ केला किलो का हिसाब से भाई। 6 का 1 किलो मतलब 80 रुपए दर्जन। 80 का दर्जन, चलो कोई ना सही है फिर भी यार, लेकिन इतना लूट नहीं मचाना चाहिए भाई, बहुत ही ज्यादा लूट मचाते हैं लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये देखो डॉगी भाई, जहां तहा ये लोग आया था, प्लस देख रहे हो कोई इंडिकेटर नहीं, डायरेक्ट से टर्निंग। यही लोग का ना एक्सीडेंट होता ना तो बोलते हैं भाई कि एक्सीडेंट हो रहा है। और सो गाइस अभी अपन लोग बृंदानंदम रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में जाने वाले, सॉरी रेस्टोरेंट नहीं रिजॉर्ट, जो कि उधर कुछ लोचा हो गया, जो कि मैं रिजॉर्ट पहुंचने के बाद आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण अपन लोग मंदिर नहीं जा पाए। तो आज अपन लोग यहाँ पे स्टे करेंगे और उसके बाद देखेंगे शाम में प्रेम मंदिर जाने का कोशिश करेंगे अगर पर... Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And बृंदानंद अपन लोग रिजॉर्ट में आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे सारा कुछ एड्रेस लिया इस गार्ड भैया ने लिया, सारा कुछ नाम फोन नंबर एड्रेस गाड़ी का नंबर, उसके बाद एंट्री मिल रहा है। लाइक एंट्री देख सकते हो कितना ही सॉलिड वाला एंट्री है अपना, देख रहे हो। अंदर रिजॉर्ट देखोगे ना भाई तो एकदम हिल जाओगे भाई, इतना मस्त वाला रिजॉर्ट है अंदर। एंट्री इतना अच्छा हुआ तो अंदर का रिजॉर्ट सोचो यार कैसा होगा, मतलब छोटा छोटा सा ना एकदम हवेली हवेली टाइप का बोलते हैं ना बिल्डिंग, ऐसा ऐसा बना हुआ है। सो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ ना कि अपन लोग श्री बांके बिहारी जी का मंदिर जा रहे थे, बट उधर से इतना ज्यादा ब्लॉक किया हुआ था ना रोड, इतना ज्यादा ब्लॉक कि भाई मतलब 3 से 4 बार अपन लोग रोटेट किए, कभी इधर के साइड जाओ कभी दूसरे साइड से, दोनों साइड से पुलिस बार बार रिटर्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं अंदर एंट्री नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने पूछा एंट्री क्यों नहीं मिलेगा यार, हमारा होटल उधर रिजॉर्ट है, या अगर दूसरा रूट से जाएंगे ना तो 18-19 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगी, लेकिन अब अगर अपन लोग इधर से जाएंगे ना बांके बिहारी जी का मंदिर के तरफ से तो अपने को 2-3 किलोमीटर ही पड़ेगी, बट उसके कारण भी नहीं जाने दिया मेरे को, होटल तक नहीं एंट्री दिया। तो सोचो यार, फिर अपन लोग बहुत कोशिश किए बट उन्होंने बोला यार अंदर जो श्रद्धालु लोग है वो परिक्रमा करते लेट लेट के, परिक्रमा करते घूम घूम के जो जाते हैं ना मंदिर लेटने के बाद घुलटन मारते ना गुलाटी टाइप का, वो तो वैसे करते हैं, अगर कोई कार से कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो हमने बोला हम लेंगे ना कुछ होगा ही नहीं, बट फिर भी उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिया। लोकल गाड़ी जा सकती है, यूपी वाले जो गाड़ी थी ना उसको अलाउ कर रहे थे बट हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार। तो अपन लोग फाइनली वहां का कैंसिल करके अपन लोग 18-19 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके अपन लोग गांव-गांव से आए हैं, हाईवे लेके आए हैं। तो अभी अपन लोग बृंदानंद रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अभी टिकट मतलब रूम बुक होने गया है, रूम बुक होगा फिर आपको रिजॉर्ट दिखाते कैसा रिजॉर्ट है भाई, बहुत ही भयानक वाला रिजॉर्ट है। और ये सौम्या को देखो पीछे से देख रही है, हम दोनों कार में ही है और बाकी उधर गए रिजॉर्ट बुक करने के लिए। तो अभी अपन लोग रिजॉर्ट में जाके आपको दिखाएंगे कैसा रिजॉर्ट है और उसके बाद बहुत सारा मस्ती हुआ गाइस, समझ रहे हो ना, रिजॉर्ट आए तो 4th-5th बार ये रिजॉर्ट है तो भाई ऑफर तो देना चाहिए रिजॉर्ट वाले को, क्योंकि जब भी आते हैं ना वृंदावन तो यही रिजॉर्ट में अपन लोग रुकते हैं। तो पहले तो था मतलब 3,000 के आसपास रेट और अभी तो भाई 6,000 हो चुका है, तो मतलब सोचो यार क्या सीन, मतलब कितना पैसा लगता है, बट फिर भी देखते हैं क्या सीन होता है, आपको दिखाते हैं रिजॉर्ट का अंदर से दिखाएंगे। देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा है, देख रहे हो ऐसा ऐसा बिल्डिंग है और अपन लोग जा रहे हैं अपना रूम में। लाइक रिजॉर्ट ऐसा ही होता है, एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट, 1, 2, 3, 4 भाई, काफ़ी अच्छा अच्छा सा होता है। प्लस इधर का सीन देखो, बहुत ही मस्त वाला सीन भी लगता है इधर का, आओ फील्ड में खेलो बेलो प्लस उधर स्विमिंग करने जाओ। तो अभी तो पहले रूम में जाएंगे रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। जो भाई वीडियो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होगा। सो गाइस ये देखो ये अपना रूम है और सौम्या दूसरा रूम में जा रही है और ये मैं, और रूम देख रहे हो रूम कुछ ऐसा है। लाइक यहाँ पे एक टीवी भी है,
ये देख रहे हो टीवी, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ ये वॉशरूम है गाइस, ये देखो मतलब कितना क्लीन है भाई, कितना मस्त लग रहा है ना वॉशरूम। ये लाइट ऑन है क्या? ये देखो लाइट ऑन हो गया ऊपर के साइड, और देखो क्लीन कैसा है, मतलब देख रहे हो टॉयलेट एकदम मस्त वाला क्लीन करके सैनिटाइज करके देता है। प्लस ये देखो दो बॉडी वॉश है, और इसमें अपना ब्रश है, जितना आदमी उतना ब्रश, प्लस टॉवल, चार टॉवल, चार लोग चार टॉवल। प्लस ये देखो अपना गीजर है ऊपर लगा हुआ, और इधर गाइस नहाने वाला, समझ रहे हो ना, शावर है, प्लस ऊपर का भी शावर है। और ये देखो अपना यहाँ पे प्लस हैंड वॉश ये दिया, और ये मैं हूँ, तो दिख रहा है ना काफी मस्त लग रहा है यार रिजॉर्ट, ये बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट, यहाँ का फैसिलिटी ना मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर इधर के साइड ना अपना रूम है जो कि अभी लॉक कर चुके हैं, और फिर इधर के साइड देखोगे ना तो इधर के साइड बालकनी है, ये देखो इधर के साइड बालकनी है, देख रहे हो क्या मस्त नजारा लग रहा है ना, काफी मस्त वाला। और बालकनी कहाँ से खुलती है भाई, ये तो देख लो यहाँ से खुलती है बालकनी वाला, ये देखो इधर से ऐसे किए स्लाइड किए, और देखो इधर का सीन भाई सारा लगा हुआ है। आप लोग यहाँ से एंट्री लिए थे वो देखो उधर के साइड से, और ये देखो कुछ ऐसा सीन आ रहा है, मस्त लग रहा है ना ये वाली सीन, देख रहे हो। सो फाइनली गाइस ये अपना बेड है सौम्या और मैं, काफी मजे करेंगे अभी। सो बस कुछ यही सीन है, और यही अपन लोग रिजॉर्ट बुक किए और यहाँ पे हैं। सो सोच रहे गाइस अभी यहाँ पे वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि थक चुके, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर और भी मजेदार वाली वीडियो आने वाली है, क्योंकि काफी मस्त मस्त अभी वीडियो आने वाली है, तो वीडियो में बने रहना गाइस जरूर, और वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जो इसमें तो थोड़ा सा बोरिंग आप फील करोगे, बट कोई ना, इतना तो मैनेज कर ही सकते हो। तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय।